इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के समय में बॉलीवुड की इस रंगीन दुनिया में जो कपल लोगों के बीच काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वह कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ही हैं। आज से दो दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की खबरें लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बनी हुई है। इन दोनों की शादी के बाद उनके प्रशंसक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, परंतु बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज से कुछ दिनों पहले जब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सगाई हुई थी तब परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया था जिसपे उन्होंने शादी के बाद जूते चुराई की रस्म के लिए परिणीति चोपड़ा ने अपने जीजू से इतने करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके जवाब में निक जोनस ने कुछ ऐसा कहा था जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड के प्रमोशन में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आने वाली परिणीति चोपड़ा ने जब प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने ऐसा कहा कि शादी की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उनके मुताबिक प्रियंका की शादी में मैं देसी गर्ल, तूने मारी एंट्री, राम चाहे लीला चाहे राम जैसे गानों पर डांस भी करने वाली हूँ। बस इतना ही नहीं, उन्होंने उनके जीजू निक जोनस से जूते चुराई रस्म की डील भी कर ली है। परिणीति चोपड़ा के मुताबिक उन्होंने जूते चुराई रस्म में अपने जीजू निक जोनस से लगभग 37 करोड़ रुपए की मांग की है। परंतु कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर आई थी कि निक जोनस ने परिणीति चोपड़ा को जूते चुराने की रस्म के बदले में $10 देने की बात फाइनल कर दी थी। प्रमोशन के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया था तब उन्होंने बताया कि बीते दिनों जब वो निक जोनस के रात के वक्त बैठी हुई थी तब उन्होंने अपने जीजा निक से कहा कि हमें पहले ही जूते चुराई की रस्म की रकम तय कर लेनी चाहिए। मैंने तो उन्हें सबसे पहले $5 मिलियन देने को कहा। इसके जवाब में हंसते हुए उन्होंने कहा कि बस $10 ही मिलेंगे। परिणीति चोपड़ा के द्वारा कही गई बातों से यह तो साफ जाहिर है कि जीजा और साली के बीच की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। एक इंटरव्यू के दौरान परिणीति चोपड़ा ने इस बात की जानकारी भी देते हुए कहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने उनके बर्थडे पर निक जोनस ने रिंग पहनाकर प्रपोज किया था। उनके मुताबिक जब प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें अपनी सगाई के बारे में बताया तब वो बेहोश हो गई थी। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि परिणीति चोपड़ा को जूते चुराई की रस्म के लिए कितने पैसे मिलेंगे। अगर सच में परिणीति चोपड़ा को 37 करोड़ मिल जाते हैं तो उन्हें 2-3 सालों तक फिल्मों में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।